स्वागत है आपका एमके न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आयशा सिंह। आइए देखते हैं सुपौल की खास खबरें। सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड के राजेश्वरी गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। मुख्य यजमान कुलानंद मिश्रा एवं बीना देवी के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक प्रख्यात प्रवक्ता मैथिल पंडित आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला का वर्णन किया गया। वहीं इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। भाव होते हैं हमारे और आपके जीवन में, जब हमारा कर्म धर्म से युक्त होता है। जब तक हमारा कर्म धर्म से युक्त नहीं होगा, जब तक हमारा मन प्रवृत्ति अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल के अलावा अनुकूल होनी चाहिए, और जब तक हमारा अंतःकरण विशुद्ध रूप से अपने प्रति, अपने आत्मा के प्रति, अपने से छोटे के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने अभिभावक के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, जब तक हमारा कर्म सही नहीं होगा, जब तक हमारा मानसिकता सही नहीं होगा, तब तक हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। परंपरागत भाव से, भक्ति भाव से कर रहे हैं, बाल बच्चे के आनंद के लिए, अपना मोक्ष के लिए, जो सदगति प्राप्त हो, समाज कल्याण के लिए, बाल बच्चों के हित के लिए, अपने मोक्ष के लिए। ये बच्चे लोक पालन पोषण में श्री हरि का नाम लेते हुए अपने समाज के बीच में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके समाज की देख रेख, समाज के हर एक जिम्मेदारी को निभाते हुए अब मैं श्री हरि के चरण में इच्छा जाहिर की बच्चे लोग मुझे भागवत सुना दे आगे की अपने मोक्ष के लिए। और क्या कहूँ मैं, बच्चे सब समृद्धि है, सब सुख से है, और वही लोग के आदर और प्यार और श्रद्धा से मैं आए भगवान भजन का भक्त बनी हूँ। उद्देश्य क्या, उद्देश्य तो श्रीमद् भागवत शुरू से ही यही एक उद्देश्य रहा है कि समाज की कल्याण हो, हर एक आदमी अपने अच्छे कर्म से चले, और हमारे पास तो बुजुर्ग हैं और उनके उद्देश्य से ही हम लोग अपने कार्य को स्थापित किया और हर एक आदमी से आशीर्वाद लेने की कोशिश की। देखिए, सबसे पहले तो संपूर्ण भक्तजन को और आप लोगों को साधुवाद देते हैं। कारण चूँकि जग में आप लोग आए हुए हैं और धर्म और अध्यात्म के प्रश्न लेकर के आए हैं, यही प्रश्न सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने किया, जो ऐसा मृत्यु के अवसर निकट आने के बाद भगवान के कृपा से क्या करना चाहिए मरणासन प्राणी को, तब उन्होंने सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और उन्होंने कहा यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है व्यास जी के द्वारा लिखा गया और सुखदेव जी के द्वारा कहा गया, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के वांगमयी प्रत्यक्ष मूर्ति हैं, जिनके श्रवण और जिनके सुनने मात्र से समस्त प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, समस्त दुखों की निवृत्ति होती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है भक्ति महारानी, जो भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन कराने से नारद जी के द्वारा भक्ति महारानी का दुख का दूर हो गया और ज्ञान वैराग चेतना अवस्था को प्राप्त करके भक्ति महारानी हर भक्त के अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो गई। और आत्मदेव ब्राह्मण के द्वारा किया गया कथा से धुंधकारी जैसे प्रेत योनि में पड़े हुए अपने भाई को भी गति प्रदान कर दिया, जिनके लिए यह भागवत कथा के श्रवण से ही भगवान अपने लोक से अपने विमान को भेज दिए और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान कर दी।